बड़ी खबर मोतिहारी से निकल कर आ रही है। प्रार्थना के दौरान एक छात्रा की मौत हो जाती है, अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ। मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। चकिया मध्य विद्यालय में छठी क्लास की छात्रा प्रार्थना के दौरान अचानक बेहोश हो जाती है। स्कूल परिसर में हड़कंप मच जाता है। आनन फानन में विद्यालय में मौजूद शिक्षक अस्पताल ले जाते हैं। सदर अस्पताल ले जाने के दौरान डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देता है। प्रथम दृष्टि ये निकल कर सामने आई है कि छात्रा की मौत ठंड लगने से हुई है। देखिए, बिहार में ठंड का असर लगातार बढ़ते जा रहा, आए दिन ठंड की कहर बरपते जा रही है। बिहार में लगा ठंड का प्रकोप बिहार में बढ़ते जा रहा। ऐसी स्थिति में स्कूल को कल ही 9 बजे से लेकर 3 बजे तक किया गया था, लेकिन कई ऐसे गार्जियन हैं स्कूल जो बच्चे को भेजते हैं, उनका साफ तौर से कहना था ठंड का कहर है, स्कूल को बंद करवाया जाए, लेकिन स्कूल को बंद नहीं करवाया गया। आलम यह है कि मध्य विद्यालय में आप तस्वीर साफ तौर से देख सकते हैं कि छठी क्लास की छात्रा जब प्रार्थना कर रही थी स्कूल कैंपस में, उसी समय बेहोश होती है। आनन फानन में टीचर्स उन्हें अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देती है। परिवार वाले सूचने पर मौके पर पहुंचते हैं, जैसा कि आप तस्वीर साफ तौर से देख रहे हैं। परिवार में कोहराम मच गया। डॉक्टरों से जब बात हुई तो डॉक्टर ने साफ तौर से कहा कि बच्ची को ठंड मारा हुआ। क्या कुछ है, सुनिए। क्या व्यवसाय करते हैं? ना वो कमाते हैं, मुखिया जी लोग बताते हैं। मजदूरी करते हैं जी? आप मजदूरी करते हैं? बेटा, जानकारी कैसे हुई है कि बच्चा बीमार हो? ना। आपको आपका भाई है? हाँ जी जी। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। चंदन कुमार। कैसे मालूम हुआ कि वो एक मास्टर गया है तो मेरी स्कूल से, वो लड़का गया है तो वही बोला है मनीष की कौन है, तो माँ बोला ऐसे मेरा भाई है। तब तो बोला ऐसे प्रार्थना में चलते करते करते बेहोश हो गया है, तो हम ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराए। वो लोग हम आए हैं तो जब जब देखे आए आकर देखे हैं तो नहीं कोई नहीं था। आज जब हम लोग आए सब लगा भागने, कोई नर्स है ना कोई नहीं, लोग खाए नहीं तो भागने कौन लगा है, कोई मास्टर हम लोग आए सब लगा। राम नारायण पासवान, प्रधानाध्यापक आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय चकिया बालक। आज तारीख 10/1/2024 चेतना प्रार्थना हो रही थी, उसी समय मनीष कुमार पिता राजेश राम, जो क्लास 6 सेक्शन बी रोल नंबर 31 का स्टूडेंट है, उसकी जन्मतिथि नामांकन पंजी के अनुसार 15/4/2023 है। प्रार्थना के समय वो बच्चा अचानक गिरा है और हम लोग आनन फानन में लेकर के उसको सटे हुए 100-150 मीटर की दूरी पर रेफरल अस्पताल चकिया है, वहाँ ले गए, डॉक्टर प्राथमिक उपचार किए। इसी बीच हमारे शिक्षक मुकेश कुमार गए, उसके परिजन को सूचना दिए, परिजन आए देखे और उसको बेहतर इलाज के लिए वहाँ से लेकर के चले गए। बच्चा घर कहाँ है? बच्चा का घर है ये चकिया चीनी मिल क्वार्टर के जिरात में उसका घर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोला राम है। अच्छा, कहते हैं तुम्हारे लड़का का नाम कर दिए, नहीं आता तुम्हारा हाजी नहीं बनेगा। बताइए, मेरा भाई है, मेरा भाई किसी का डेट कर पहले से बीमार था, कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था। सरकार का सर्कुलर आया कि हाजिरी जरूरी है,